हाँ जी फ्रेंड्स, सत श्री अकाल। कैसे हो सारे? मैं आपको जो है अरोज बनाने सिखा रही हूँ। हल्का हल्का सा पानी लगा रही हूँ क्योंकि ये वैसे तो इस कपड़े पे बहुत फैलता है। ये मतलब क्रेप जैसा कपड़ा है पर उससे डबल मतलब मोटा कपड़ा है। और सेंटर में मैंने पानी लगा लिया है, जैसे जितना बड़ा बनाना है उससे थोड़ा कम आकार में लगाया क्योंकि फैल फैल के धीरे धीरे उतना ही हो जाएगा क्योंकि ये कपड़े पे फैलता बहुत है। और ये वाटर कलर इफेक्ट वाला डिज़ाइन है इसलिए पानी लगाया है, वरना आप सोचोगे क्वेश्चन करोगे जब इस पर फैलता है पानी तो फिर पानी क्यों लगाया। कलर फैलता हो तो उस पर पानी तो लगाना नहीं चाहिए ना। वो इसलिए लगाया है क्योंकि जो ये रोज़ है ये वाटर कलर इफेक्ट वाला रोज है। ओके, सबसे पहले इस पे मैं वाइट कलर करूंगी। पानी लगा अगर हम नहीं लगाते ना तो यहाँ पर मोटा मोटा हो जाता कलर और जिससे वो वाटर कलर इफेक्ट नहीं आएगा, और हमें वाटर कलर इफेक्ट लाना है। और जो जिस कपड़े पे फैलता हो, जैसे इस कपड़े पे बहुत कलर फैलता है, इस कपड़े पे पतला कलर नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। लेकिन हमने ये वाटर कलर इफेक्ट देना है ना, इसलिए पतला कलर तो लगाना पड़ेगा तभी वाटर कलर इफेक्ट आएगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम जितना रोज़ बनाना है ना उससे थोड़ा छोटा बनाएंगे। अभी अभी देखो थोड़ा थोड़ा साइडों पे आपको पानी दिख रहा होगा, ये देखो, और धीरे धीरे ये थोड़ा और फैलेगा। तो बाद में इसको बिना मतलब पानी वाले कलर से ठीक कर देंगे, ठीक है। एक बार तो इसमें पतला कलर ही लेना है। ओके, अब हम लेंगे रेड कलर। आपको दिख रहा है मैंने क्या किया, सिर्फ वाइट कलर पतला करके लगाया है। अब दो तरह के रेड रोज बनाने हैं, एक ये जो इसके अंदर रेड कलर है वो मैं निकाल दूंगी, सारा ब्रश को पोंछ दिया मैंने। अब जो भी रेड कलर मुझे लेना होगा वो पिंक, मतलब अब मुझे रेड नहीं पिंक शो करना है हर जगह, तो यहां साइड साइड से इसी कलर को लेके मैं पिंक बना दूंगी। एक तरह का रोज ये आपके सामने बन गया है और दूसरे तरह का रोज मैं इस पे सिखाऊंगी और तीसरे तरह का रोज इस पे। ये 50% बन गया है। अब इसमें डार्क इफेक्ट देना है वो सूखने के बाद, ठीक है। जब ये थोड़ा सा सूख जाएगा इतने में हम यहाँ जा जाते हैं। और याद रखो जो फैलता हुआ ये कलर है ना इसको तुरंत ठीक नहीं करना, क्योंकि तुरंत ठीक करेंगे तो ये और फैलता जाएगा, इसको बाद में सही करना है, ठीक है। ये आपके सामने रोज बन चुका है एक तरह का, और अभी इसका वैसे काफी काम रहता है लेकिन वो सूखने थोड़ा थोड़ा सूखेगा, तब जितने में हम ये बना लेते हैं उतने में ये थोड़ा सूख जाएगा। उसी तरह से यहां पर भी हम व्हाइट कलर करेंगे पहले। बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी, बहुत ही इंटरेस्टिंग डिज़ाइन है, माय फेवरेट डिज़ाइन। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ऐसे डिज़ाइन जिसमें कि मेहनत थोड़ी कम हो और रिजल्ट ज़्यादा हो।
जहां जहां पर रेड कलर का इफेक्ट देना है वहां पर रेड का इफेक्ट, जहां पिंक का इफेक्ट देना है वहां पर आप ब्रश को पोंछ भी सकते हो। अब इस ब्रश में रंग थोड़ा कम ही था तो मैंने पोंछा नहीं, ऐसे ही काम चल गया। देखो ये एक और रोज बन गया है, ठीक है, कितनी जल्दी बन गया देखो। अब जो ये वाला रोज बनाना है उसका कलर येलोइश ब्राउन कलर है। जैसे ये बन जाएगा फिर अब इसको फाइनल कर देंगे, फिर इसको। अब ये वाइट हो गया, अब कहीं कहीं येलो के इस तरह से कहीं वाइट रहने देंगे, येलो टच देने के बाद अब ब्राउन कलर लेंगे। ब्राउन थोड़ा कम लग रहा है, थोड़ा ग्रीन मिला लेंगे बीच में। अब ये ग्रीन मिला लिया मैंने, ठीक है। साइडों पर ज्यादा जोर नहीं देना, जो फैल रहा है ना उस पर कोई जोर नहीं देना आपने, ठीक है। अब मैं एक आधी लिप बना के बताती हूँ। अभी अभी मैं दुपट्टा थोड़ा सा करके हटी हूँ तो लगभग वही कलर है मेरे पास, क्योंकि दुपट्टे पे थोड़े पतले कलर होने थे, कॉटन का है, मसलिन कॉटन का, उस पर पतला कलर चल सकता है, तो इसलिए एकदम जब आप इस पे कलर चलाओगे तो चला के देख लेना फैले ना, और इस पर जो लिप्स का कलर है थोड़ा सा थिक रखना है। ओके, अगर पतला है तो थोड़ा छोटा लिप बना के देख लो, क्योंकि अगर फैलेगा भी तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो उसको आप बाद में ठीक कर सकते हैं। अगर पहले से थोड़ा बड़ा बना लिया तो फिर उसका कोई उपाय नहीं है ठीक करने का, फिर डिजाइन खराब हो सकता है।
देखो इसमें इस तरह के फूल बनाने हैं, कहीं लाइट लीव्स बनाने हैं, कहीं लाइट, कहीं डार्क, कहीं येलो, कहीं ग्रीन, कहीं ब्राउन, इस तरह से। बाद में इसकी आउटलाइन कर देंगे। ठीक है, इस तरह से काफी लिप्स बनाते जाएंगे। पर मैं अब ये वाला ब्रश रखती हूँ और दूसरे वाला ब्रश लेती हूँ, क्योंकि ये थोड़ा खराब हो चुका है, फ्लैट बन चुका है। अब बारीक काम करना है ना अपने को, इसलिए। जिस कपड़े पर फैलता हो ना, उस पर आप चला के पहले देख लो। थोड़ा थोड़ा, ताकि ये ना हो। ये देखो कितनी डिफिकल्टी आ रही है बनाने में, क्योंकि अगर हम थोड़ा सा भी इसको पतला करते हैं तो सारा फैल जाएगा, और अगर हम इसको चलाते हैं तो। अब मैं आपको बताती हूँ, पहले तो यहाँ पर ये डार्कनेस करेंगे। ये अभी सूखा नहीं है पत्ता, इस तरह से मैं बता देती हूँ थोड़ा थोड़ा। जहां जहां डार्क इफेक्ट देने हैं ना, फिर इससे भी बारीक ब्रश से इफेक्ट देंगे। एक बार इस कलर्स को इस ब्रश से पहले मिक्सिंग देंगे। थोड़ा सा इसमें मैं रेड कलर मिलाऊंगी, ब्राउन जो है ना थोड़ा ब्लैकिश ज़्यादा है, तो वो थोड़ा ओवर लग रहा है ना, तो थोड़ा सा मैंने मेहरून सा टच दे दिया अब इसको। ये ब्लैक को थोड़ा कम कर देंगे रेड करके, क्योंकि ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा। मैं कोई भी कलर बना के नहीं रखती हूँ, एट ए टाइम ही फटाफट जो कलर चाहिए होता है उतना तो बना लेती हूँ, इसलिए पहले चला के देखना पड़ता है कि सही बन गया या नहीं। और जो ये मैं कर रही हूँ ना टच, ये करना तो गीले पर है, पर तुरंत नहीं करना। जैसे अब हमने ये फूल बनाया उतने में इधर आ गए, मतलब थोड़े गीले पे करना है, ताकि ज्यादा गीले पे करेंगे तो ये कलर भी जो कर रहे हैं टच, ये फिर फैल जाएंगे, नहीं तो अब इसमें ही मर्ज हो जाएंगे, ये मिल जाएंगे। और जो साइडों पे ये जो चीज़ है ये सूख जाएगी, जब पानी फैला हुआ तब इसको थोड़े गाढ़े गाढ़े रंग से जहां जहां तक फैला है उसको ढक देंगे। इस तरह से कहीं कहीं लिव्स में भी आउटलाइन कर देंगे। अगर इस ब्रश से थोड़ा मोटा चलता है तो आप बारीक ब्रश से कर सकते हो। और अब आपको आपकी इच्छा है इसमें
स्पार्कल ट्यूब्स चलानी है तो साइडों पे वो चला दो, और उससे क्या और भी ज़्यादा। अब इसकी साइडों पर ऐसे आउटलाइन करनी है, जहाँ पर तो ये फैला नहीं है वहाँ पर तो आप अभी कर दो, और जहाँ पर जैसे ये फैला है वो सूखने के बाद इसको थोड़ा सा और बढ़ा देंगे, फूल को ना थोड़ा बड़ा कर देंगे, और वहाँ पे आउटलाइन बाद में कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो आउटलाइन करनी है इस रोज में वो रेड कलर से करनी है। अब मैंने उसी ब्रश में थोड़ा सा रेड कलर ले लिया है। इस तरह से जब तक आपको लगे ना कि ये नहीं लग रहा, रोज थोड़ा थोड़ा इसको सही करते जाओ, फिर अपने आप ही ये रोज लगने लग जाएगा। और जब तक ये थोड़ा थोड़ा फैलना बंद ना हो ना, इसको ब्रश से अपने आप बार बार ठीक करना पड़ता है ताकि ये फैले ना। ओके फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको ये अच्छा लगा होगा, उधर दुपट्टा बन रहा है। ओके बाय बाय, सी यू। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना।